नमस्कार, एसएससी क्रैक विथ मी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मोस्ट करंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर जरूर कर दीजिए सोशल मीडिया पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात को कम करने के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन है A8, B6, C3, D5। अब ऐसा दिख रहे होंगे B का सिंबल ब्लू है, 6। आपको पहले यह जानना चाहिए कोयला आयात भारत किस किस देश से करता है। इसका आंसर है B6, ठीक है। भारत जो है कोयला आयात करता है इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से और अमेरिका से। इंडोनेशिया से ज़्यादा करता है भारत। तो आयात अगर कम करना है भारत को, तो जितने सारे कोल माइंस हैं उसको अगर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, तो प्राइवेट सेक्टर आराम से उनकी देख रेख में करते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट का आपको पता है कि चोरी बहुत होता है, इसी वजह से उन्हें 6 कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए जीन थेरेपी पर एक टास्क फोर्स का गठन करेगा? इसका ऑप्शन है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन ऑफ लाइफ एक बुक है, जिनके राइटर है विश्वनाथन आनंद। सॉरी, इसके राइटर है विश्वनाथन आनंद। देखो ये एसएससी क्रैक विथ मी मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड सब जो भी हैं उनको करंट अफेयर्स। आपको कुछ कुछ करंट अफेयर्स ऐसे भी नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देगा आपको, कोई भी यूट्यूब चैनल। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे, आप कितना भी पढ़ लो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो मैं कहाँ कहाँ से ढूंढता हूँ मैं बताऊँगा बाद में। 4 नंबर देखो, भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हिंद महासागर क्षेत्र में आम चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा का विस्तार करने और अपने आतंक विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुआ है? इसमें मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश। अभी जो है हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति आए थे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन जो समुद्री सुरक्षा का विस्तार करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी ने सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है मालदीव के साथ समझौता, ठीक है। 5 नंबर देखो, हरियाणा पुलिस विभाग ने एक अनोखा बार कोडिंग सॉफ्टवेयर अपनाया है। बार कोडिंग सॉफ्टवेयर अपनाया, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो आप अगर सीआईडी वगैरह देखते होंगे टीवी पे, तो उसमें देखते होंगे उन लोगों का एक सॉफ्ट जो लिस्ट बना हुआ रहता है, एक जो अपराधी सब होते हैं उसका लिस्ट जो बना हुआ था, वो सबको रिकॉर्ड में अच्छे से रखने के लिए वो बार कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाया है। इसका नाम है ट्रैकिया, उसका नाम है, याद रखिएगा, ट्रैकिया। हरियाणा पुलिस विभाग ने एक अनोखा बार कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम है ट्रैकिया। इसका सही ऑप्शन है ए, ठीक है। 6 नंबर देखिए, सरकार ने कहा है कि भारत भर में 1,65,000 से अधिक किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ईएनएएम मंच पर पंजीकृत किया गया है। आप ये अमाउंट जो है 1,65,000, मतलब 1,65,000 से अधिक किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार
मंच पर पंजीकृत किया गया है। तो ये याद रखिएगा, 1,65,00,000। ठीक है, कृषि मंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही आंसर होगा ये, नरेंद्र सिंह तोमर। 7 नंबर देखिए क्या है, आप देखिए मेरे बोली पे मत जाइए किस तरह से मैं बोलता हूँ, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मेरा कंटेंट कैसा है उस पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, मैं किस तरह से बोलता हूँ उस पे ध्यान दीजिए। हो सकता है मेरा बोलना आपको अच्छा ना लगता हो या फिर मेरी आवाज़ ठीक ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, सी ए कंगना रनौत, डी ए कृति सरन। इसमें जो है दीपिका पादुकोण जो है स्वास्थ्य जागरूकता के लिए ये बहुत अक्सर रहती हैं, इसी वजह से इनको क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वह है दीपिका पादुकोण। 8 नंबर देखिए, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक किस स्थान पर आयोजित की जा रही है या हुई है? आपको अगर आप ध्यान देते हैं, टीवी देखते हैं, तो इधर जो है नरेंद्र मोदी कानपुर आए थे, उन्होंने देखा था गंगा में घूम के, उसी में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई है कानपुर में। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है डी। 9 नंबर देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस प्रकार के वाहन के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए 15 दिसंबर 2019 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है? इसमें जो है विंटेज वाहन जितने सारे हैं, जितने सारे विंटेज वाहन हैं, इसको ये बंद करने की तैयारी में है। नया जो है इनका नया सिंबल लॉन्च होगा, उससे उसी पे सड़क परिवहन मंत्रालय ने पंजीकरण को पंजीकृत करने के लिए 15 दिसंबर को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या, हाल ही में अल्जीरिया में अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ है, अल्जीरिया में अभी कुछ दिन पहले ही अल्जीरिया में चुनाव हुआ था, उसमें से जो जीते हैं वो है अब्देल मजीद तेबोने, अब्देल मजीद तेबोने, इनका अल्जीरिया के राष्ट्रपति में चुनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि आ सकता है, और जितने सारे क्वेश्चन मैंने किया रहा है सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, जो भी है मैं PDF भी दे दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।